अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसेस। देखिए, हम लोग रस पढ़ रहे थे। रस का पार्ट वन हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से रस के बारे में बताया, समझाया था कि स्थाई रस के बारे में कैसे पता करते हैं कि कौन सा स्थाई रस है और कौन सा अनुभव है, कौन सा संचारी भाव है। ठीक है, इस सब की जानकारी मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में दे चुकी हूँ। और सॉरी, इस वीडियो में भी मैं आपसे पहले वाले वीडियो की तरफ से चाहूंगी कि आप बिल्कुल बहुत अच्छे से मुझे रिस्पॉन्स करें और लाइक तो दे ही दें, क्योंकि इतनी मेहनत हम करते हैं और आपके जो लाइक है और आपके जो कमेंट है, हम इतना मोटिवेट करते हैं कि हम और अच्छे से अच्छा करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या होते हैं, सब मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद हम स्थाई भाव के रस में, स्थाई भाव कितने होते हैं, 11, विभाव 2, आलंबन और उद्दीपन, अनुभाव संचारी भाव 33 होते हैं। ये संख्याएं भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से 50% तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों की तैयारी हो जाती है, तो उसे देखना ना भूलें। 2015 के तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है, 2016-17 के अभी मैं आपको बता दूंगी, तो आप लोग वो वीडियोस जरूर देखिएगा। उससे एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्टअप होगा, और दूसरा जो मैं ट्रिक बताती हूँ आपको, वहां पर आप अप्लाई करेंगे ना, आपको बहुत मजा आने वाला है और आपको लगेगा कि एग्जाम तो यूं ही निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बिना देरी किए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम रस कर रहे थे, तो रसों के अब 11 तो रस होते हैं, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम मतलब एक के बाद एक सारे रस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें आप कभी भूल लेना। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है, रति। ठीक है, इसके पहले देखो, मैंने यहां पर आपको बताया था कि श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है, रति। ठीक है, तो श्रृंगार रस एक तो होता है संयुक्त श्रृंगार रस, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। संयुक्त श्रृंगार रस क्या होता है, जब प्रेमी और प्रेमिका, पति पत्नी या फिर एक जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आज की डेट में तो आप यही बोलेंगे ना, प्रेमी प्रेमिका, जहां पर एकदम ट्रू वाला लव होता है। कृष्ण राधा की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, जब हम कृष्ण राधा की बात करते हैं तो यहाँ पर एक पवित्र लव की बात आती है, पवित्र प्यार की बात आ जाती है, तो इसकी बात हम कर लेते हैं। तो संयोग श्रृंगार मतलब जहां पर राधा कृष्ण रास लीला कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को छेड़ा छाड़ी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाता है संयोग रस। संयोग रस का जैसे एग्जाम्पल क्या है, किल्लोले बातें करना, यानी हंसी मजाक करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दे दूं, यहाँ पर बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोए धरे मोहन हसे देह कहे नट जाए। मतलब जो कृष्ण भगवान की मुरली राधा जी ने दुका दी है, छिपा दी है, फिर इसके बाद क्या किया है कि अब वो उनको, वो जब अपनी मुरली के लिए ढूंढ रहे हैं, अपनी मुरली ढूंढ रहे हैं, तो उनको देख देख के हंस रहे हैं और छेड़ रहे हैं। यहां पर ही हो गया संयोग रस। वियोग रस में ऐसा होता है कि नायक नायिका या फिर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के वियोग में, बिछड़ने में जब दुखी हो जाते हैं, तो एक उनकी मनोगति कैसी होती है, वो एक दूसरे को मतलब याद करते हैं, जब किसी की याद में गाना गाते हैं, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, इस टाइप से कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रस आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है वियोग संयोग रस। ओके, जैसे निषिदित बरसत नैन हमारे सदा रहती, पावस ऋतु हम पे जब श्याम सिधारे। ये अगर थोड़ा सा आपको टफ लग रहा हो तो ये वाला देख लीजिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोए, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोए। यहाँ पर कौन सा रस है, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके फेवरेट रस की, हास्य रस की। ठीक है, हास्य रस का यहाँ पर जो स्थाई भाव है वो क्या है, हास्य है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हास्य रस, जहाँ का आपको पढ़ एकदम से आपको हंसी आ जाए, एकदम दिल और दिमाग में एकदम रोमांच उत्पन्न हो जाए, एकदम आपका अंग अंग हंसने लग जाए, वहां पर हास्य रस होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ये देख, मेरठ में हमको मिले धम धूसर कब्बाल, तरबूजे से खोपड़ी और खरबूजे से गाल दे हाथी से पाई, लंबाई से ज्यादा थी उनकी चौड़ाई। मतलब ये है कि इस टाइप का कुछ जो भी हो, वहां पर आपको हंसी आना चाहिए इस टाइप के काव्य में, तो वहां पे हास्य रस हो गया। इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, देखते हैं नेक्स्ट करुण रस। करुण रस मतलब आपको एकदम
जब करुण रस बोलते हैं, जब आपके मन में कोई ग्लानि हो, शोक हो या कोई पश्चाताप हो जाए और फिर आप एकदम शोक पश्चाताप में एकदम दुखी बैठे हैं, तो यहाँ पर करुण रस होता है। करुण रस का जैसे कि आपको बता दूं मैं, स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, जैसे कि आपके आपसे कुछ कोई दुखी हो गया है या कुछ हो गया आपसे, बहुत बड़ा पाप हो गया, तब आप करुण रस में डूब कर कोई कविता लिख दें तो वहां पर क्या आ जाता है? करुण रस आ जाता है। जैसे प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव हो रही है, हो गई है उत्तरा। यहाँ पर एक करुण रस का है, प्रिय मृत्यु का अप्रिय। अब आप सोचेंगे प्रिय मृत्यु का अप्रिय, यहाँ पर मतलब कहीं पर, यहाँ पर श्रृंगार रस तो नहीं होना चाहिए। श्रृंगार रस क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपने बताया था कि वियोग श्रृंगार हो रहा है। वियोग श्रृंगार तो होता है, पर वियोग श्रृंगार में इंसान जिंदा होता है, याद आ रही होती है इंसान को किसी की, या किसी के वियोग में, बिछड़न में आप वो रहते हैं। यहाँ पर मृत्यु हो गई, बहुत ही दुखी है। जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते, देखिए जब कोई इंसान थोड़ा दूर होता तो इतने दुखी नहीं होते, जब कोई इंसान बहुत दूर होता तो हम ज़्यादा दुखी होते, वहाँ पर करुण हो जाते हैं हम एकदम से। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस। ठीक, अब हम देखते हैं, वीर रस के बारे में। वीर रस मानव शरीर के अंदर शिथिलता को सक्रिय बदलने की ताकत रखता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक इसके लिए दो तीन लाइन बताती हूँ। सिंहासन हिल उठे वीरवंशों ने भुक्ती तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जब ये गाना गाया जाता था तो कैसे एकदम, हम जब बचपन में होते थे तो कैसे एकदम से हमारे शरीर में जोश आ जाता था, एकदम से हम भी लड़ने वड़ने को तैयार होते थे। जब बचपन में थे हम भी इसी तरीके की मानसिकता रखते थे, तो यहाँ पर वीर रस से क्या है, हमारे शरीर में उत्साह आ गया। ठीक है, तो वीर रस का अब हम वो देख लेते हैं कि वीर रस का, जैसे वीर रस से हमारे शरीर में उत्साह आया तो स्थायी भाव क्या है? जब हमने वीर रस की कहानी, वीर रस की कविता सुनी और हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हुए, एक उत्साह आया हमारे शरीर में, जो भाव आया उसको क्या बोलते हैं? स्थायी भाव। तो क्या हुआ? उत्साह आया। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हुआ? उत्साह। ओके, जैसे इन्होंने भी कोई दी है, इन्होंने मतलब इसमें जो दिया है उससे नहीं, हम बचपन वाली यादें जो हमें हमेशा याद रहती है, बचपन की कुछ यादें, तो जब आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको हमेशा से याद रहेगा। वीर रस हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए इस पांचवा है रौद्र रस। रौद्र रस क्या है? रौद्र रस है कि किसी की कविता सुनने से एकदम से आपको गुस्सा आ जाए। तो गुस्सा आ गया, जब आपने किसी की कविता सुनी और आपको गुस्सा आ गया, मतलब कोई कविता सुनी और आपको गुस्सा आ गया, तो मतलब क्रोध, इसका स्थायी भाव क्या हो गया? क्रोध हो गया ना। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो गया। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, कविता के भावपूर्ण शक्तियों से क्रोध को जन्म देती है। एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण ने कुछ ऐसे वचन बोले कि अर्जुन का जो जो शरीर था क्रोध से जलने लगा। ठीक है, ठीक है। या फिर कोई आप मूवी देखते हो और आपको कुछ ऐसा, ऐसी कोई कहानी सुनाई जाती है या ऐसी कोई कविता सुनाई जाती है जिससे आपके अंदर एकदम से क्रोध आ जा सकता है। कई बार नारी शक्ति को लेकर ऐसी ऐसी कविताएं होती हैं जिससे आपके मन में एकदम से क्रोध आ जाता है उन क्रूर लोगों के लिए जो नारियों पर अत्याचार करते। तो यहाँ पर कौन सा रस हो गया? रौद्र रस हो गया। अब हम बात करते हैं बीवत रस की। बीवत रस से ऐसा होता है जिसका होता है घृणा, घृणा का भाव आया। बीवत, बीवत से भी अपने को नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ घृणा, कुछ गंदा सा शब्द लग रहा है ना। तो यहाँ पर इसका स्थायी भाव क्या होगा? घृणा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हिंदी में इसको घृणा नहीं, जुगुत्सा बोलते हैं, जहां पर जो दिया जाता है वो जुगुत्सा ही दिया जाता है। ठीक है, घृणा बहुत कम दिया जाता है, ज्यादातर दिया जाता है जुगुत्सा। तो आप बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुत्सा याद रखिएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जी बही स्यार अति आनंद ध्वस्त। यहाँ पर ये आनंद ध्वस्त तो लिखा है, पर ये देखिए इस वर्ड का मीनिंग क्या है। सिर पर एक एक कौवा बैठा है जो आंखें, कोई मर गया उसकी आंखें दोनों निकाल के खा रहा है, और जब आप इसको इमेजिनेशन करेंगे ना तो आपको एकदम से घृणा सी आएगी, याख इस टाइप सी फीलिंग आएगी। तो यहाँ पे कौन सा रस हो गया? बीवत्स रस हो गया। अब हम बात करते हैं भयानक रस की।
जहां पर एक कविता के माध्यम से डर उत्पन्न हो जाए, कुछ ऐसी कविता आपको सुनाई जाए जिससे आपको डर लगने लगे, ठीक है, तो वहां पर आ जाता है भयानक रस। अब भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो, अब भयानक रस से क्या होगा, हमें भय लग रहा है, डर लग रहा है, तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? डर होगा ना, भय होगा। देखिए जो रस होता है उसका स्थायी भाव उसमें ही छुपा होता है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं भी है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं और एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो कि जैसे इसका एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, ठीक है। एक ओर अजगरी लखी एक ओर वनराज, विकल बटोही बीच में परछो मोहरा खार। एक ओर अजगर है और एक ओर वनराज है, मतलब आप सोचिए एक एक तरफ अजगर है एक तरफ वनराज है, मतलब कोई शेर है और बीच में आप हो तो आपको भय लगेगा, डर लगेगा ना, इस तरह की कविता सुन के। अब हम बात कर लेते हैं अद्भुत रस की, जहां काव्य में असंभव काल होने का संभव बताया जाता है, ठीक है, असंभव काल होने को संभव बताया। अब अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा, अब आप बताइए। अद्भुत रस का स्थायी भाव इसमें ही छुपा हुआ, अद्भुत, जब कुछ अद्भुत होता है तो अपन एकदम से क्या चौंक जाते, एकदम विस्मय पूर्ण स्थिति बन जाती है ना, तो जब हम चौंक जाते हैं एकदम क्या बोलते हैं, अच्छे बच्चे रह जाते हैं, जो भी है विस्मय पूर्ण स्थिति बन जाती है, तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान की पूछ में आग भी नहीं लगी और उसके पहले लंका पूरी जल गई, एकदम से अद्भुत हो गया। आप सोच रहे हैं ऐसा भी कभी हो सकता है कि बिना पूछ में आग लगे पूरी लंका जल गई? तो अपन जैसे अपने जो आपने एक एक्सप्रेशन दिए हैं, ऐसा भी होता है, यही अद्भुत रस का स्थायी भाव है, विस्मय, मतलब एकदम से आप उस बात पर यकीन ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो अद्भुत रस का यही स्थायी भाव है। नेक्स्ट हम देखते हैं शांत, शांत रस, जहां पर कविता के काव्य के माध्यम से वैराग्य शांति आदि भावों का अनुभव होता है। शांत रस क्या है? जैसे अपन मैं बोलूं कि सब मोह माया है, कहीं धूप कहीं छाया, जो चल रहा है चलने दो, दुनिया चलती रहती है, सब ईश्वर की कृपा है। यहाँ पर क्या हो गया? शांत रस हो गया, सब मोह माया है, कहीं धूप कहीं छाया, सब कुछ एकदम वैराग्य हो गया, एकदम साथ, नदी एकदम शांत चल रही है, मध्यम मध्यम हो गया। तो शांत रस का स्थायी भाव भी शांत रहेगा, जिसे बोलते हैं निर्वेद। निर्वेद मतलब कोई वेग ही नहीं है, सब कुछ एकदम धीमे धीमे शांत है, कहीं पर कोई वेग नहीं है, कोई उछल पुथल नहीं है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ओके, नेक्स्ट है, इसमें हम देख लेते हैं वात्सल्य रस, जहां पर माँ बेटे के प्रसंग का आता है वहां पर वात्सल्य रस आता है। वात्सल्य रस से ही आपको पता चल रहा है कि वात्सल्य मतलब जो माँ का बच्चे के लिए प्यार होता है वो वात्सल्य कहलाता है। तो अब इसका स्थायी भाव क्या होगा? इसका स्थायी भाव होता है वात्सल्यता, ठीक है, वात्सल्य होता है, वात्सल्य ऐसा लिखा जाता है, वात्सल्य रस, और वात्सल्य का स्थायी भाव होता है वात्सल्य। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि मैया मैंने माखन ना खायो, इसमें एक वात्सल्य छुपा हुआ है, जो भगवान कृष्ण हैं वो अपनी माँ को छेड़ रहे हैं और उनसे झूठ बोल रहे हैं, झूठी मूठी अटखेलियां खेल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक वात्सल्यता के भाव आ रहा है, तो ये हो गया वात्सल्य रस। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं भक्ति रस, जहां पर कविता के माध्यम से भक्ति का उजागर, भक्ति के भाव का उजागर हो, वहां पर भक्ति रस होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा बताइए? भक्ति रस का स्थायी भाव होगा भक्ति, ठीक है। अब हम जैसे इसका एक एग्जांपल देखें तो कोई भी, आप कोई भी भजन ले लीजिए, जैसे कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम, तेरा नाम एक साजा दूजा ना कोई। यहाँ पर एक ऐसा रस आ गया, भक्ति रस आ गया, आंख बंद करके जो भी कवि है वो सिर्फ और सिर्फ श्री राम के बारे में सोच रहा है, तो यहाँ पर कौन सा रस आ गया? भक्ति रस आ गया। तो अब हमारे यहाँ पर पूरे रस खत्म हो गए हैं, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव जितने भी ये हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गए। दो वीडियो में पूरा रस खत्म हो गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विशेषक विशेष या फिर किसी कारक या फिर कोई भी नए टॉपिक के साथ में, छंद अलंकार जो भी लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आप उसको ज़रूर देखिएगा।
ओके सो टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ट्रस्टी पीसीएस थैंक यू.